देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी बीजिंग व व्यावसायिक राजधानी शंघाई में सोमवार को प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं। घरों में कैद लाखों लोगों को सामान की डिलीवरी लेने से भी रोक दिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजधानी में एक बार फिर पारा चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार से अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट के साथ लू और भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। वहीं सोमवार को भी पारा अधिक दर्ज किया गया व दिन भर चिलचिलाती धूप की वजह से दिल्ली वासियों का गर्मी से बुरा हाल है। जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाहर मंगलवार को एक परिवार ने रंगभेद का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। परिवार का आरोप है कि उनके मरीज को काला रंग बताकर इलाज करने से मना कर दिया गया है। परिवार के लोग नगरोटा से मरीज को लेकर GMC में इलाज के लिए पहुंचे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पंडोसन गांव में सोमवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में फंसे आतंकियों ने नागरिकों पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। इसमें एक जवान और दो नागरिक घायल हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लखीमपुर किसान नरसंहार में सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का धमकी वाला भाषण और भाजपा सरकार ने किसानों के साथ खड़े होने के बजाय उनका समर्थन किया। नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। यह वारंट इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि अपमानन के एक मामले में रितु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। जैसे जैसे मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या यात्रा पर जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इसे लेकर राजनीतिक भी गर्माती जा रही है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर कहा कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर राज ठाकरे से माफी की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि 50,000 लोग राज ठाकरे को रोकेंगे और अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने के 6 दिन के भीतर ही केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम जाने वाले 20 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। अर्थव्यवस्थाओं व कठिन परिस्थितियों के बीच विरुद्ध और बीमार तीर्थयात्रियों की जान पर पैदल यात्रा भारी पड़ रही है। MCX पर मंगलवार को सोने की कीमत 0.20% बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में भी 0.65% की तेजी आई है। इस बढ़त के बाद सोने का भाव बढ़कर 51,061 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी की कीमत टूटकर 62,505 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,451 नए केस सामने आए थे। यह शनिवार को मिले कोरोना मामलों के मुकाबले 9% कम है। हालांकि पिछले एक दिन में 40 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी। इन खबरों में बस इतना ही, धन्यवाद। क्या आप भी लेना चाहते हैं अपने सपनों का घर, मगर बढ़ती कीमत को देखकर जरा घबराते हैं? तो सत्यम ग्रीन्स लाए हैं आपके लिए अफोर्डेबल 2 BHK फ्लैट्स, वो भी मात्र 8.25 लाख रुपीस में। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, 8.25 लाख रुपीस में 2 BHK फ्लैट, वो भी दिल्ली NCR के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी के पास बनने जा रहे रेजिडेंशियल हब में। सिक्योरिटी, पार्किंग, बच्चों के खेलने की जगह और तो और अपने आने वाले प्रस्तावित एयरपोर्ट के पास। ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं 1 मई से, तो देर किस बात की। अभी फोन उठाएं और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 8905988603 पर, या विजिट करें www.bhiwadiaffordable.com पर और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और इंतजार करें लकी ड्रॉ निकलने का।